तो यार गाइस कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो मुझे ना अभी कुल्लू निकलना पड़ रहा है। कोई भी प्लान नहीं था जाने का, कुल्लू जाने का भी, क्योंकि मेरे शोज़ है अभी 3-4 तारीख तक शो है, अक्टूबर के 3-4 तारीख तक। तो मैंने तो रखा था कि उसके बाद ही जाऊंगा, लेकिन आज ना दोपहर में कॉल आई जिम से कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज की सुबह की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं पार्क से। तो आना तो मुझे सुबह जल्दी था, लेकिन वही हुआ यार, नींद नहीं गई। नींद भी गई लेकिन मैं बैठा रहा थोड़ी देर, मुझे लगा पल्लवी भी आएगी साथ में, लेकिन पल्लवी रात में लेट सोई थी, तो कल मैं बहुत टाइम से सो गया था तो जल्दी उठ पाया। तो अब रूटीन ऐसी रहेगी, कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा है। अगर सुबह आकर थोड़ा पार्क में आकर फ्रेश एयर वगैरह लेंगे तो वैसे ही आपको पता दिल्ली में नहीं मिलती है, सुबह सुबह मिलने के चांसेस होते हैं, तो वो चांस मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। तो फिर भी मैं आज आया हूँ, धूप निकल चुकी है, लेकिन पार्क आने का सुबह सुबह मज़ा ही अलग है। मॉर्निंग की सैर करनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आएगा। ज़िंदगी का असली मज़ा ही उसी में है कि मॉर्निंग में उठो जल्दी और थोड़ी सी सैर करने ज़रूर जाया करो। शहरों में खासकर ऐसा होता, गांव में तो ऐसा होता ना यार, गांव में हम बाहर निकलते हैं वैसे ही, हमें अगर किसी से मिलना भी होता तो पैदल जाते हम, गाड़ी भी हमारी घर के पास तो लगी नहीं रहती। ये वाला जो ब्रिज दिख रहा ना, यहाँ पे मैंने शूट किया काफ़ी पहले, यहाँ पे शूट किया था मैंने काफ़ी पहले, जब स्टार्टिंग में मैंने मॉडलिंग शुरू की थी तो परमजीत चावला सर होते थे, वो ले आए थे यहीं पे कि यार यहीं पे तू तेरी फ़ोटो वोटो शूट करते। भाई साहब एक हमारे वहाँ पे कसरत कर रहे हैं, लेकिन वो मन यहाँ पे ना शाम को तो नशे वार करने वाले होते, लेकिन अभी नहीं, अभी सुबह सुबह भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। सामने देखो एक छोटा सा फोर्ट है, एक इसके लिए रास्ता दूसरी तरफ से। तो बस यार ऐसी सुबह और डेली, तो कोशिश रहेगी अब कि हर दिन मैं सुबह आऊं और यहाँ पार्क में घूमूं। ऐसा नहीं इसी पार्क में, और भी बहुत सारे पार्क है नियर बाई में। भाई थैंक यू सो मच, भाई एक्सरसाइज कर रहे थे। भाई क्या नाम है आपका? मोनिश। भाई का नाम मोनिश है भाई, लेकिन सबसे अच्छी बात है यार, वैसे मिलते बहुत कम लड़के मिलते हैं सुबह सुबह जो एक्सरसाइजेज वगैरह वर्जिश करते हैं, और अच्छी बात है भाई। ये नशे से बचने से अच्छा है कि नशे करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ अच्छा करो, क्या कहते हो भाई, है ना भाई? ये तो मुझे लगता है ये ब्लॉग यहीं, मॉर्निंग का ब्लॉग यहीं बन जाएगा, नेचर पार्क, नेचर पार्क में घूमते हुए। बढ़िया से 2 राउंड लगाए मैंने पार्क के, अब आराम से बैठा हूँ। लेकिन कुछ भी कहो यार, जब कुल्लू में था ना, आपकी बॉडी अलग ही हो जाती है जब आप सुबह जल्दी उठते हो। जैसे कुल्लू में रूटीन थी पिछले 8-9 महीने से, तो रूटीन थी मेरी 10 महीने से कि सुबह 4:30-5 बजे उठना है। रात को थोड़ा लेट सोते थे लेकिन सुबह जल्दी उठते थे, तो जल्दी उठकर ना शरीर भी एकदम बढ़िया फिट रहता था, और ये छोटी मोटी बीमारियाँ भी लगती थी। जब से मैं दिल्ली आया हूँ यहाँ पर सारी रूटीन ख़राब, क्योंकि इंसान यार पैसे के पीछे ही भागता रहता है, काम काम काम। तो देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रात में सोने की कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ यार, ये भी एक अच्छा आइडिया आया दिमाग में कि ग्रुप बनाकर कार्डियो सेशन करवाऊँ, कंटेंट का कंटेंट हो जाएगा मेरे लिए और आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लेसन हो जाएगा कि किस तरीके से सुबह कार्डियो करना, क्योंकि इतना तो आता है मुझे, क्योंकि जिम चलाते हैं। और आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोस में किस तरीके से मैं कार्डियो सेशन लगवाता था मॉर्निंग में। तो चलो देखते, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन कोशिश करूँगा कि कल से शुरू करूँगा। लेकिन मुझे ना तो जल्दी आना पड़ेगा, सुबह 5:30 तो यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो चलो अब निकलते हैं घर की तरफ, टाइम हो गया बहुत, अब सब्जियाँ वगैरह खरीदते, और सब्जियाँ खरीदते खरीदते सीधा घर की तरफ। फटाफट सब्सक्राइब मार दो, लाइक मार दो वीडियो को, देख रहे हो यार, देखते हो वीडियो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं मारते हो आप, मार दिया करो। डॉग्स की सेना आ गई भाई, उधर से देखो पूरी 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 टीम है इनकी,
टैग कर दिया ना, छोड़ेंगे नहीं किसी को। सुबह सुबह मौसमी जूस मिले और उसमें नो शुगर नो आइस। थोड़ी खट्टी है लेकिन टेस्टी है। तो यार गाइस कुछ इमरजेंसी हो गई है तो मुझे ना अभी कुल्लू निकलना पड़ रहा है। देखो कैसे इतने दिनों से मैं कोशिश कर रहा था तो जा नहीं पा रहा था, लेकिन आज ना एकदम से, क्योंकि अभी कुल्लू वाले जिम को संभालने वाला कोई भी नहीं है, है लड़के लेकिन उन्हें उतना पता नहीं है। तो अभी बस खाना खा रहा हूँ और खाना खा के निकलते हैं। ये नहीं जा रही पल्लवी, नहीं जा रही, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो चलो यार निकलते हैं आप, क्योंकि 6 बजे की मेरी बस है। ओके बाय बाय। रो रोना मत है ना, इसे बहुत आंसू आ रहे हैं, बेचारी इतनी ज़्यादा रो रही है और अभी मेरे जाते ही हंसेगी, खुश हो जाएगी। बाय। तो चलो मैंने ऑटो तो ले लिया, मैंने ऑटो में बैठ गया हूँ मैं। अभी बस है मेरी 6 बजे की। और वैसे तो यार कोई भी प्लान नहीं था जाने का, कुल्लू जाने का भी, क्योंकि मेरे शोज़ है अभी 3-4 तारीख तक शो है, अक्टूबर के 3-4 तारीख तक। तो मैंने तो रखा था कि उसके बाद ही जाऊंगा, लेकिन आज ना दोपहर में कॉल आई जिम से कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वजह से मुझे निकलना पड़ रहा है। क्योंकि काफ़ी टाइम से जब से मैं आया हूँ तो जिम के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब किसी की सर्विस भी नहीं हुई है, और भी पता नहीं मुझे उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि क्या दिक्कत हो रखी है। वैसे सुबह गया था यार पार्क, आपने देखा होगा, तो मैंने तो प्लानिंग की थी कि कल से जाएंगे, कल से जल्दी उठेंगे और जल्दी सुबह जाएंगे और पार्क में जाकर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, लेकिन चलो जैसा भी है। अभी 6 बजे की बस है मेरी। वैसे पहले मुझे पता नहीं था कि बसेस वगैरह चल रही है, तो फिर मैंने विक्की से पूछा, विक्की ने कहा हाँ चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने चेक करने के लिए एक अपने इंटरसिटी में भैया है तो उन्हें कॉल किया, उन्होंने कहा हाँ भैया बस वगैरह चल रही है। तो चलो बाकी आपको मैं इस ब्लॉग में ये भी बताऊँगा कि कुल्लू मनाली अगर आपको जाना है तो रोड की क्या कंडीशन है, वॉल्वोज़ आपको कहाँ तक मिलेगी और कहाँ से आपको टैक्सी वगैरह करनी पड़ेगी और कहाँ कहाँ आप घूमने फिरने जा सकते हो, ठीक है। बाकी बने रहो इस वीडियो को में, पूरा देखना इस वीडियो को, ठीक है, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ आर के आश्रम, मेरा ठीक पीछे है इंटरसिटी का ऑफिस, बस यहीं पे लगेगी, लेकिन अभी भी बस आने में आधा घंटा बाकी है। चलो इंतज़ार करेंगे, सबसे अच्छी बात है टाइम से पहुंच गया हूँ, टाइम से पहुंच कर ना टेंशन फ्री रहता हूँ, काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और जाते वक्त अच्छा भी नहीं लगता है जब दिल्ली से जाता हूँ या कुल्लू से फिर बहुत टाइम बाद दिल्ली आता हूँ। हेलो क्या हाल चाल भाई, ठीक है। गाइज अपनी बस आ गई है, तो गाइस अपनी बस लग चुकी है अपने पीछे, बस अभी आधे घंटे में निकलेगी। सबसे अच्छी बात है वही बस आई जो मुझे हमेशा पसंद थी, लास्ट टाइम भी मैं इसी बस में गया था जब मैंने दिल्ली से मनाली के लिए ट्रैवल किया था, तो सेम बस में किया था और बहुत ही कंफर्टेबल बस है। और ये गिनी चुनी बसें चल रही है मनाली के लिए, अब तो पता नहीं और कितनी बसें, अगर मुझे लगता है कि रोड ठीक रहते, सब चीज़ें ठीक रहती तो आज तक और भी बसें आ जाती है ऐसी। चलो मैं बैठता हूँ, अपनी सीट लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात होगी रास्ते में। तो चलो गाइस मैंने सीट तो ले ली है, मन में अंदर आ गया हूँ, बाकी अब ज़्यादा तो क्या, बस निकलेगी थोड़ी देर में, पूरी बस खाली है गाइस, कोई भी नहीं बस में, पीछे बस 2 लोग पीछे बैठे, एक आंटी आ गया है और कोई भी नहीं बस में। लेकिन शो तो करवा रहा था कि सारी सीट्स बुक है। तो चलो बाकी थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी देर में बस निकलने वाली है। और यहाँ पे कंबल भी है, कंबल साफ़ होने चाहिए बस, बाकी ना मुझे मतलब बस के कंबल मैं यूज़ नहीं करता और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि न जाने कितने लोग जाते हैं और कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो बेटर है कि अच्छा अपना कंबल साथ में कैरी करो और उसे यूज़ करो। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है, मेरे पास कंबल तो नहीं है आज, जैकेट है, उसे पहन लूँगा अगर आगे जाकर ठंड लगेगी तो। और एक्साइटेड भी बहुत हूँ घर जाने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं पहाड़ों के, अब सुंदर सुंदर। 4 दिन के लिए जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल तो, क्योंकि 26 तारीख को मुझे फिर से वापस आना, 27 तारीख से फिटिंग शुरू होने वाली है, तो
तो चलो गाइस, बाकी प्यार दो इस वीडियो को, लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट। बाकी मिलते हैं आपसे कल सीधा घर पे। बाय, लव यू।